राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया एसोसिएशन द्वारा आज अंत्योदय केंद्र स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र भारती द्वारा की गई, जिसमें आज के दौर में पत्रकारों और पत्रकारिता के सामने पेश आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन से सही दिशा में रचनात्मक प्रयास किए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर प्रधान महेंद्र भारती ने सरकार से पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किए जाने और मीडिया में काम करने वाले सभी साथियों को समुचित मान सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने की पुरजोर मांग भी उठाई गई। आज प्रेस दिवस है। आज मैं सभी देश के राज्य के सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं। वे अपने पत्रकारिता एक निष्पक्ष और निर्भीकता और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाए और अपने अंदर आत्मबल करें, आत्मबल पैदा करके मतलब आप कवरेज करें। और बहुत बहुत खुशी की बात है, आज हमारी क्या नाम अपनी प्रेस का नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन है, भारती जी ने रजिस्ट्री करवाई। युवा पत्रकार हैं, इनके नेतृत्व में आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है प्रेस डे के ऊपर। और आज एक हमें पीपल का पेड़ सभी ने मिलकर ना प्रेस डे पर लगाया है और सभी भाइयों के एक दूसरे को बधाई दी। और आज जो प्रेस पे जो संकट है, जो दुर्गति हो रही प्रेस की, जो चारों तरफ से हमले हो रहे हैं पत्रकारों को, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर सचेत हो जाना चाहिए। सरकार को पत्रकारिता की पत्रकारों ने साथियां भी रखी, कुछ समस्या रखी प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के उसमें और प्रशासन की परेशानी को पूरा करे। है जी, मेरी यही प्रार्थना आपसे, आप बधाई के पात्र हो और आगे आप फलो फूलो। इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया एसोसिएशन ने अभी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में यही जो पत्रकारों की समस्या थी, पत्रकारों की समस्या रखी गई है, उन समस्याओं को जल्दी निवारण करवाया जाएगा। आज हमने एक पीपल का पौधा भी लगाया है जो पर्यावरण बचाने का संदेश देता है। इसी का उद्देश्य मानते हुए हम पत्रकारों को जो हनन हो रहा है, उसको उत्पीड़न हो रहे हैं, उन पे भी शोध करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि जो पत्रकार का शोषण हो रहा है, पीड़ित है पर पत्रकार, तो उनकी मांगों पर गौर फरमाई जाए और इन समस्याओं का निदान किया जाए। आज इस बैठक में काफ़ी लोगों ने भाग लिया है और इन लोगों के अगुवाई में आगे करके काम करेंगे और पत्रकारों की भलाई के लिए सभी काम किए जाएंगे।